काफी बड़े विगन वेयर हाउस में लेके आते, वो चलेगा, फास्ट चलेगा, सबसे अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको इसी ब्रांड के अंदर मिलेगी, सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी, डॉल्बी डिजिटल प्लस और डॉल्बी ऑडियो इसी के अंदर मिलेगी, ये एयर माउस रिमोट आपको इसी के साथ, मर्जी महंगा टीवी ले लीजिए, जहां से मर्जी ले लीजिए, आपको देखने मजा नहीं आ रहा तो 50 के पैसों में 55 गोल्ड माल चल रहा है मार्केट के अंदर। आपको कह रहे हैं गूगल टीवी, पर कस्टमर्स को भी नहीं पता, जानकार 38-41 रेजोल्यूशन मिल जाता है, HDR है, HLG है, वॉइस असिस्टेंट है, सबसे अच्छी बात एयर माउस रिमोट मिल जाता है आपको। सो गाइस, आपको मैं फिर से लेके आ चुका हूँ दिल्ली के ओल्ड लाजपत राय मार्केट में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो LA TV काफी बड़े बिगेस्ट वेयर हाउस में लेके आ चुका हूँ। SSC एंटरप्राइज काफी ज्यादा आप लोगों ने नाम सुना है, चलते हैं भैया से मिलते हैं, बात करते हैं किस तरह डीलिंग रहने वाली है इनकी। अपनी कंपनी के बारे में बताइए, काफी ज्यादा नाम सुना है आपका। हमारी फर्म का नाम है HSC एंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 438 ओल्ड लाजपत राय मार्केट, जो की पड़ती है चांदनी चौक में, और सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा लाल किला मेट्रो स्टेशन, लाल किला मेट्रो स्टेशन के 10 कदम दूरी पे हमारी शॉप पड़ती है। हमारे ब्रांड का नाम है इनवॉक्स इंडिया। आपको हमारे बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सिंपली आप यूट्यूब खोलिए, हमारा नाम टाइप कर दीजिए HSC एंटरप्राइजेस, या फिर हमारे ब्रांड का नाम टाइप कर दीजिए इनवॉक्स इंडिया, आपको यूट्यूब से ही हमारे बारे में और जो हम चीजें बेचते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से ही मिल जाएगी। ठीक है जी, बेसिकली क्या क्या बेचते हैं आप? सर जी, बेसिकली हमारी डीलिंग होती है होलसेल के अंदर, और हम LED TV, होम थिएटर, PA सिस्टम, वायरलेस ट्रॉली, वायरलेस माइक, इन सब में होलसेल में डील करते हैं। ठीक है जी, स्टार्टिंग रेंज क्या रहता है अपने पास में? सर देखिए, 32 इंच स्टार्टिंग रेंज होती है, 6,500 रुपए से है स्मार्ट टीवी की। स्मार्ट टीवी विद IPS पैनल, ठीक है जी। एक होता है नॉन IPS पैनल, वो हम नहीं बेचते जी, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है हाई फ्लक्चुएशन की वजह से लाइन आने की ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है जी। पर हम देंगे आपको IPS पैनल के अंदर 32 इंची 6,500 रुपए से। स्टार्टिंग 17 इंच का टीवी भी आता है जी, सिर्फ 2,800 रुपए से, पर जो बेसिक डिमांड आजकल हर घर की है वो एक स्मार्ट टीवी की है और साइज 32 इंची। तो सर बेसिकली आजकल क्या गोलमाल चल रहा है मार्केट के अंदर, आपको कह रहे हैं गूगल टीवी, पर कस्टमर्स को भी नहीं पता, जानकारी नहीं है कि गूगल टीवी एक्चुअली क्या चीज है। जी जी, देखिए सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी स्मार्ट टीवी से, फिर उसको अपग्रेड हुआ तो आया एंड्रॉयड टीवी, अब आ चुका है एंड्रॉयड का भी अपग्रेडेशन, जिसको हम कहते हैं गूगल टीवी। अब गूगल टीवी और एंड्रॉयड के अंदर क्या फर्क है जी, आप कोई भी बड़ी कंपनी अमेजोन पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, 2024 से पहले मैन्युफैक्चरिंग वाला टीवी देखेंगे तो आपको एंड्रॉइड टीवी मिलेगा, पर 2024 में देखेंगे तो हर एक बड़ी कंपनी गूगल टीवी यूज कर रही है, गूगल टीवी के प्लेटफॉर्म पे आ गई है। तो यहाँ पे लगा हुआ टीवी, इसका प्राइस है 6,500 रुपए, ये भी लिखा हुआ गूगल टीवी, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ एक टीवी जो ओरिजिनल गूगल टीवी है। अब मैं डिफरेंस दिखाता हूँ जी, मैं इसको बंद करता हूँ और ऑन करता हूँ, और इसको भी हम एक बार बंद करते हैं और ऑन करते हैं जी। ठीक है जी, अब मैं अगर इसको स्विच ऑफ करूंगा, स्विच ऑन करूंगा ना, तो ऑन करने के बाद इस टीवी के अंदर भी लिखाएगा गूगल टीवी, और ऑन करने के बाद इस टीवी के अंदर भी लिखाएगा गूगल टीवी। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया गूगल टीवी, ये आप देख सकते हैं, तो कस्टमर को लगेगा हाँ जी गूगल टीवी लिखा आ रहा है तो ये भी ओरिजिनल गूगल टीवी होगा, पर ऐसा नहीं है। ओरिजिनल गूगल टीवी की बेसिक जो पहचान है वो स्टार्टिंग पॉइंट्स आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहली पहचान है 5G कनेक्टिविटी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी गूगल टीवी लिखा आ रहा है, अब आप पहचान नहीं पाएंगे कि दोनों को ऑन करने पे गूगल टीवी आ रहा है, तो कस्टमर को स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब ये टीवी ऑन हो चुका है, यहाँ पे आप देखिए एंड्रॉइड टीवी लिखा हुआ है, एंड्रॉइड टीवी लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर आपको गूगल टीवी का सपोर्ट मिलेगा, इंटरफेस बिल्कुल अलग मिलेगा, यहाँ पे आपको गूगल टीवी लिखा हुआ मिलेगा, तो हर एक चीज आपको ही देखनी पड़ेगी, आपको ही समझना पड़ेगा। देखिए वीडियोस बहुत सारी बन रही हैं आजकल, हर कोई ये इस टीवी को गूगल टीवी क्या के 6,500 में बेच रहा है, पर ये ओरिजिनल गूगल टीवी नहीं है। देखिए हमने टीवी को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, सबसे पहले बेसिक स्मार्ट टीवी जो कि एंड्रॉयड रहता है, ठीक है जी। सेकेंड आएगा आपका सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी, तीसरा आएगा आपको ओरिजिनल गूगल टीवी, ठीक है जी। थर्ड आएगा आपका वेब OS टीवी, फोर्थ आएगा आपका टाइजन वेब, ठीक है जी। अब ये टीवी है 6,500 रुपए का, कौन टीवी ये लेंगे जी, जिनका सेटो बॉक्स का यूज है, अगर आपने अपना सेटो बॉक्स ला के देखना है, ठीक है जी, या आपके पास कोई फायर स्टिक है,
या स्मार्ट सेटो बॉक्स है, जैसे जियो का स्मार्ट सेटो बॉक्स आता है, एयरटेल का एक्सट्रीम स्मार्ट सेटो बॉक्स आता है, और आपका इन चीजों का यूज है जो कि आपके टीवी के इंटरफेस को बिल्कुल बदल देता है, तो ये टीवी आपके लिए बिल्कुल ठीक है, ये टीवी आप ले सकते हैं। इसकी भी आपको 1 साल की पूरी वारंटी मिलती है इंक्लूडिंग पैनल। ठीक है जी। ये दूर ध्यान दीजिएगा कि आपको पैनल की वारंटी मिल रही है कि नहीं मिल रही। जहां आप किसी भी दुकानदार से टीवी लीजिए, मैं कभी ये नहीं कहता मेरे से, पर नॉलेज आपके पास पूरी होनी चाहिए। आप पूछिए सर पैनल की वारंटी है, और वो कहते हैं ओके तो ही लीजिए। अब पैनल की वारंटी नहीं है तो आपका टीवी लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि 70% कॉस्ट पैनल की होती है, 20% कॉस्ट मदरबोर्ड की होती है, एंड 10% मिसलिनियस। ठीक है जी। यानी दो मेजर पार्ट है, सबसे बड़ा पैनल, दूसरा मदरबोर्ड। बाकी सबकी थोड़ी थोड़ी कॉस्टिंग है, वो आसानी से ठीक भी हो जाता है, रिपेयर भी हो जाता है, पर पैनल को ठीक करना रिपेयर करना मुश्किल है, मदरबोर्ड को ठीक करना रिपेयर करना मुश्किल है जी। ठीक है जी। अब आपका स्मार्ट सेटअप बॉक्स का यूज है तो ये टीवी ले सकते हैं, फायर स्टिक का यूज है तो ये टीवी ले सकते हैं, अगर आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना है ऑफिस में लगाना है तो आप ये टीवी ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल आपका यूट्यूब हॉटस्टार जितने भी इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म की एप्स हैं तो आप ये टीवी ले सकते हैं। अब सर्टिफाइड एंड्रॉइड की बात करते हैं, बेसिक एंड्रॉइड हो गया ये, सर्टिफाइड एंड्रॉइड। सर्टिफाइड एंड्रॉइड में क्या फर्क मिलेगा आपको? सबसे पहली बात, आपको गूगल असिस्टेंट का फर्क मिल जाता है, साथ ही साथ ऑटो अपडेट टीवी मिल जाता है आपको, ये चीजें सर्टिफाइड एंड्रॉइड के अंदर मिल जाती है। टीवी अपडेट भी होता है, ऐप भी अपडेट होती है, और गूगल असिस्टेंट ऐड हो जाता है उसके अंदर। ठीक है जी। ठीक है जी। अब गूगल टीवी पे आते हैं जी। गूगल टीवी क्या कमाल कर रहा है, सबसे पहली बात 5G कनेक्टिविटी, ड्यूल बैंड वाईफाई, एंड 2.4 GHz ही मिलेगा आपको, 5 GHz ही मिलेगा, आम भाषा में 4G 5G दोनों मिलेगा, दोनों तरीके के इंटरनेट आपको मिलने वाले हैं। डिस्प्ले आपको मिलने वाली है QLED क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी और डिस्प्ले होती है, जिसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी होती है, अप टू 2000 nits की उसको अंदर ब्राइटनेस मिल जाती है आपको। ठीक है जी। गूगल होम एक एप्लीकेशन होती है, अपने फोन पर डालेंगे तो पूरे टीवी को अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपका टीवी दूसरे कमरे में है, आप दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं, आपने सिर्फ एप्लीकेशन ओपन करनी है, टीवी को वहीं से बंद कर देना, टीवी में बंद हो जाएगा। गूगल होम से आप अपनी हर एक फोन की आइटम अपने टीवी पे देख सकते हैं जी, जिसको हम मेरा कास्ट भी कहते हैं, पर मेरा कास्ट नहीं है, इसके अंदर क्रोम कास्ट इनबिल्ट है। अब क्रोम कास्ट और मेरा कास्ट में फर्क क्या है? क्रोम कास्ट में आपकी कोई भी एप्लीकेशन आप जो फोन की है वो देख सकते हैं, पर मेरा कास्ट में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होती है, हर एक एप्लीकेशन नहीं चलती, और चलती भी है तो रुक रुक के चलती है। ठीक है जी। क्रोम कास्ट में आपकी स्पीड भी अच्छी आने वाली है, और हर एक एप्लीकेशन ऑपरेट कर सकते हैं, आप मोबाइल का कोई भी डाटा अपने टीवी पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या होती है जी, जैसे कि एक ऐप आती है पिकाशो, ठीक है जी, एक ऐप आती है थोप टीवी, एक ऐप आती है इसमें फ्री DTH चल जाते हैं जी जी। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, 10,000 मूवीज फ्री दे देंगे, 10,000 मूवीज फ्री नहीं होती है जी। वो क्या होता है, एक एप्लीकेशन के अंदर एक फोल्डर बना होता है जिसमें मूवीज आ रही होती है, अगर आप उस मूवी पे क्लिक करेंगे ना तो वो मूवी यूट्यूब पे फ्री है ऑलरेडी, वो प्ले हो जाएगी। अच्छा। तो ये सिर्फ एक बात घुमाने का तरीका है लोगों का कि आपको 10,000 मूवी फ्री दे देंगे। जो एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं गूगल टीवी के अंदर वो है पिकाशो, जो कि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जिसमें क्या होता है, अगर आपकी मूवी आपने हॉल पर रिलीज हुई है तो नेक्स्ट डे या उसके एक दिन बाद आप उस एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वो होती थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन होती है जिसमें DTH के चैनल, जैसे आप कलर्स, स्टार प्लस, न्यूज चैनल्स, ये जो सेटअप बॉक्स आप लगाते हैं ना जी, 400-500 रुपए खर्चते हैं, वो आपके बच जाएंगे अगर आपके पास वाईफाई है तो सेटअप बॉक्स के सारे चैनल्स उस ऐप के अंदर फ्री आ जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। पर एक ऐप और आती है जिसके अंदर आपके नेटफ्लिक्स और अमेजोन की मूवीज सारी की सारी विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, उस ऐप के अंदर अपडेट हो जाती है, जैसे नेटफ्लिक्स पे आई अगले दिन आपको उस ऐप पे मिल जाएगी वो सेम मूवी नेटफ्लिक्स वाली, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने का पैसे नहीं भरने और फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। ये तीन ऐप अगर आपका यूज है वाईफाई तो आप गूगल टीवी लीजिए, क्योंकि ये तीन ऐप बहुत स्मूथली उसमें चल जाएगी, आपको कहीं पैसे नहीं भरने, सिर्फ वाईफाई कनेक्शन लीजिए और सब कुछ आप फ्री देख सकते हैं गूगल टीवी के अंदर। गूगल टीवी के अंदर आपको 5G मिलता है, वन टच गूगल असिस्टेंट मिलता है, जो कि सर्टिफाइड एंड्रॉइड के अंदर नहीं मिलता, एंड्रॉइड के अंदर नहीं मिलता, ब्लूटूथ मिलता है 5G कनेक्टिविटी के साथ, और आपका हियरिंग के लिए आपको डॉल्बी ऑडियो मिल जाता है, डॉल्बी ऑडियो एंड डॉल्बी डिजिटल प्लस, ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। HDMI पोर्ट्स के अंदर आपको ARC और EARC सपोर्टेड मिलता है जी। तो ये खासियत होती है गूगल टीवी की। अब बात करते हैं फोर्थ सबसे बड़े सॉफ्टवेयर की जी, इसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको सबसे खास बात, अगर आप कभी भी गूगल पे सर्च करते हैं कि फास्टेस्ट टीवी ब्रांड या सॉफ्टवेयर कौन सा है, सबसे ऊपर जो नाम आएगा वो इसी ब्रांड का आएगा जी।
ठीक है जी, इससे ऊपर फास्ट सॉफ्टवेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी पर एक चीज का ध्यान रखिए, इसके अंदर आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं डाल सकती, पर हम आपको एक ऐप, एक थर्ड पार्टी ऐप जरूर डाल के दे देंगे, जिसमें आपका नेटफ्लिक्स और अमेजोन की मूवीज आप फ्री देख सकते हैं। ठीक है पिकाशो जैसी जी। पायरेटेड ऐप्स नहीं चलेंगी, पायरेटेड ऐप्स ये टीवी सपोर्ट नहीं करता, इसलिए एक टीवी कभी हैंग नहीं होगा। आप सबको ठीक है बताया जी। कि एंड्रॉयड फोन के अंदर और एक आईफोन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एंड्रॉयड फोन का थोड़ा सा भरते हैं ज्यादा तो हैंग होता है, हैंग होने जाता आईफोन का पूरा भर भी लेंगे तो हैंग नहीं होगा, क्योंकि वो पायरेटेड ऐप सपोर्ट नहीं नहीं करता। करता जी। सेम इस ब्रांड के साथ है, ये पायरेटेड ऐप सपोर्ट नहीं करेगा, कभी हैंग नहीं होगा, स्मूथ चलेगा, फास्ट चलेगा, सबसे अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको इसी ब्रांड के अंदर मिलेगी, सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी डॉल्बी डिजिटल प्लस और डॉल्बी ऑडियो इसी के अंदर मिलेगी, ये एयर माउस रिमोट आपको इसी के अंदर मिलेगा, वॉइस असिस्टेंट मिलेगा, HDR हाई डायनामिक रेंज, HLG हाइब्रिड लॉक गामा, MEMC गेम ऑप्टिमाइजर, ये सारी चीजें सारी आपको मिलेंगे इसी सर। ब्रांड के अंदर मिलेंगी। ठीक है रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज है तो गूगल टीवी लेंगे, गूगल जी मिलेंगे। अगर नहीं है तो ये लीजिएगा सर, आप खुश हो जाएंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे कि क्या चीज लेके आए हैं। ठीक है जी। इसमें आपको एप्पल टीवी इनबिल्ट मिलता है, अगर हाँ हाँ आपका एंड्रॉयड फोन है तो वेल एंड गुड, वो तो इसके साथ स्क्रीन कास्ट होता ही होता है, एंड्रॉयड फोन हर टीवी साथ स्क्रीन कास्ट हो जाएगा, पर आईफोन अभी तक किसी भी ब्रांड का स्क्रीन कास्ट नहीं होता था, इसके साथ जरूर हो जाएगा। इसमें आपको एयर प्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है, आपका आईफोन हो, एंड्रॉयड फोन हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, कुछ भी हो, इस टीवी के साथ कंपैटिबल है, सपोर्टेड है, आप स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हैं, मिरर कास्टिंग कर सकते हैं, सब कुछ सपोर्टेबल है। ठीक है जी, और सबसे अच्छी बात, लैग कभी नहीं होगा, लैक बिल्कुल। नहीं ठीक है जी, ये फोर्थ होगी। सॉफ्टवेयर हो गया, फिफ्थ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, फिफ्थ सॉफ्टवेयर यहाँ लगा हुआ है जी। अब फिफ्थ सॉफ्टवेयर में क्या खासियत है जी, सबसे पहले उसका रिमोट देखिए, सबसे ठीक स्लीक रिमोट मिलने वाला है आपको इसके अंदर। कमी क्या है जो कि आपको दूसरे के अंदर मिल जाती है, इसमें आपको एयर माउस रिमोट नहीं मिलता है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मूवी चलनी शुरू भी हो गई है, ठीक है। यानी आपको फ्री मूवीज, फ्री DTH इसके अंदर पहले से इनबिल्ट मिल जाता है, ये खासियत है इसकी। अब और इस ब्रांड के अंदर आपको मिल जाते हैं फ्री चैनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अलग अपनी कंपनी के फ्री चैनल है, इसके अंदर आपको 700 से 800 फ्री चैनल प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। 700 चैनल इसके अंदर भी फ्री हैं, पर इसमें 13 चैनल फ्री हैं, ये बेनिफिट मिल जाता है इसके अंदर। स्पीड इसकी भी है, फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो मैंने जैसे बताया आपको, सबसे फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर वेबओएस आएगा, सेकंड पे आपको इसका मिल जाएगा जी, ठीक है जी। सेकंड पे इस ब्रांड का सॉफ्टवेयर सबसे फास्ट चलता है जी। ठीक है जी, यानी लैग का इशू आपको नहीं आने वाला। सेम इसके अंदर भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप नहीं डाल सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, मेटल बॉडी मिल जाती है आपको, पर अगेन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं, और इसके अंदर जो मैं ऐप इस ब्रांड का ना बता रहा था ना आपको, वो भी नहीं डाल सकते हैं, अच्छा, वो भी इंक्लूड हो नहीं सकता। डाल सकते हैं, ठीक है सिर्फ जी। आपको वेब ओएस के अंदर मिलेगा, गूगल के अंदर मिलेगा, एक्सेस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इसके अंदर नहीं मिल सकता है। तो ठीक है। ये पांच सॉफ्टवेयर हैं सबसे अच्छे, जो कि आपको अपनी पसंद के हिसाब से लेने हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या फर्क होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और 43 इंचेस दिखाता हूँ आपको जी। 43 इंचेस मैंने डिस्प्ले में लगा रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है पांच जी। तो लगा रखे। अब पांच मॉडल हैं, सबसे पहला मॉडल दिखाता हूँ सर, ये वाला, ये अगेन वही बेसिक एंड्रॉयड टीवी है, ऑन करने पे गूगल टीवी आएगा, पर एक बेसिक एंड्रॉयड टीवी है। अब पहचान मैंने आपको बता दी, 5G देख लीजिएगा, ओरिजिनल वाले में 5G मिलेगा, इसमें आपको 4G मिलेगा। सेकंड, आपको वन टच गूगल असिस्टेंट नहीं मिलता है, वन टच गूगल असिस्टेंट मिल जाता है आपको इसके ठीक अंदर। है। इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो नहीं मिलता है, इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। ब्लूटूथ नहीं मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है आपको। ठीक है जी। सेकंड, ये देखिए जी, नेटफ्लिक्स का बटन दबा रहा हूँ, या मैं नेटफ्लिक्स का बटन दबा दिया जी, ठीक है जी। अब वो यहाँ पे भी नेटफ्लिक्स का बटन दबा देते हैं एक बार, इसके अंदर भी मैं नेटफ्लिक्स का बटन दबा देता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं अब ये नेटफ्लिक्स ओपन हो गया है, और वहाँ देखिए वहाँ नेटफ्लिक्स ओपन हुआ ही नहीं है, टीवी ठीक है जी। ऑन है, मैं होम बटन दबाता हूँ, ठीक है जी, और फिर मैं दोबारा नेटफ्लिक्स का बटन दबाता हूँ, ले लीजिए, वो वहीं अटक जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल नेटफ्लिक्स ओपन हो चुका है। प्रोसेसिंग फास्ट इसमें है इसके ऑटो अंदर। अपडेट है जी, वो ऑटो अपडेट नहीं है, इसमें पायरेटेड ऐप्स डली हुई हैं, इसमें पायरेटेड ऐप्स नहीं है, जो कंपनी देती है, जो बड़े से बड़ा ब्रांड देता है,
सिर्फ वही एप्लीकेशन इस ओरिजिनल गूगल टीवी के अंदर चलती हैं। ठीक अब इसका देख लीजिए, इसका साइन का अलग है, ठीक है जी, और है इसका जी, साइन का अलग है। ये प्राइम वीडियो है, वो अमेजोन है, ये ठीक इंस्टेंट वीडियो वाला है, यानी जो मोबाइल की एप्लीकेशन होती है वो इसमें डाल के दे दी गई है, जो कि चलेगी नहीं। है जी, ये ओरिजिनल एप्लीकेशन जो टीवी के लिए बनी है वही चलेगी इसके अंदर। ठीक है तो जी, प्लीज ध्यान दीजिएगा एंड्रॉयड टीवी और गूगल टीवी लेने से पहले कि आपको यूज क्या है आपका, उस हिसाब से टीवी लीजिएगा। 43 10,800 का मॉडल ये लगा दस हुआ आठ है सौ जी, के अंदर, ठीक है जी, ठीक है जी, ये बेसिक टीवी है। अगेन मैंने बताया सीसीटीवी कैमरा ऐसे को यूज है आपका, तो ये ले सकते हैं, अगर आपको बढ़िया चीज लेनी तो ये सकते हैं। अब बात करते हैं 4K क्लैरिटी की। 4K क्लैरिटी क्या ओके। होती है, रेजोल्यूशन होता है 3840x2160, ठीक है जी, हाईएस्ट होता है। अब 4K के बाद ऊपर कैटेगरी क्या होती है, HDR हाई डायनामिक रेंज, उससे ऊपर कैटेगरी क्या होती है, HLG हाइब्रिड लॉग गामा। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो आपके टीवी में गेम ऑप्टिमाइजर होना चाहिए, जो कि आपके रिफ्रेश रेट को 60 to 120 स्विच कर देता है, तो ठीक वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके HDMI पोर्ट के अंदर, जिसमें आप कोई गेम लगाएंगे, उसके अंदर ARC या फिर EARC सपोर्ट होना चाहिए, जिसके थ्रू आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रह सके। तो आपको ये टीवी लेना है फिर, है, ठीक। यस इसके अंदर आपको 2.4 GHz 5 GHz दोनों मिल जाता है। रेजोल्यूशन इसका मिलेगा आपको 3840x2160, 3840x2160 रेजोल्यूशन मिल जाता है। HDR है, HLG है, वॉइस असिस्टेंट है, सबसे अच्छी बात एयर माउस रिमोट मिल जाता है आपको, जैसे कि आपको इस टीवी के अंदर मिलता है। दोनों सेम लगे हुए हैं, यहाँ पे भी एयर माउस देख सकते हैं और इस टीवी के अंदर भी एयर माउस मिल जाता है आपको। अगेन इसके अंदर आपको कंपनी की तरफ से 700 से 800 चैनल फ्री मिल जाते हैं, और ठीक एक ऐप हम आपको स्पेशली डाल के देंगे, जिसके थ्रू आप नेटफ्लिक्स और अमेजोन की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, है। उसकी सारी मूवीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे, ठीक है जी। एप्पल टीवी इसके अंदर इनबिल्ट मिल जाता है दोनों मॉडल के अंदर, ठीक है, और आपको एयर प्ले का फंक्शन भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपना कोई भी डिवाइस वायरलेसली कनेक्ट कर कनेक्ट सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। अब कस्टमर को लगता है सर कि रेट्स का फर्क कैसे, देखिए एक मॉडल आता है ये, मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ, ये लो, ठीक है जी। अब दो मॉडल्स, अब इसके अंदर और इसके अंदर बहुत फर्क है जी क्वालिटी का। ये है डायनामिक मॉडल और ये है ठीक अल्फा मॉडल। अब है, अल्फा मॉडल की स्क्रीन बहुत ही ज्यादा अच्छी है डायनामिक से। जब आपको हमारे शॉप पे विजिट करना हो तो आप बोलिए सर कि मुझे दोनों मॉडल खोल के चेक कराइए, अल्फा और डायनामिक, कि हम देख पाए कि दोनों की स्क्रीन के अंदर क्या फर्क है, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा लेना है, क्योंकि तो दोनों की प्राइस रेंज के अंदर काफी फर्क है, ठीक है जी। ठीक है जी। ये ओरिजिनल एमोलेड डिस्प्ले है और ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, ये फर्क आता है मेन। प्रोसेसर दोनों का सेम है, मदरबोर्ड दोनों का सेम है, फीचर सॉफ्टवेयर सब कुछ, रिमोट तक दोनों के सेम है, सेम रहते हैं, ठीक सिर्फ है, क्या फर्क है स्क्रीन का। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ स्क्रीन की कॉस्टिंग ही 70% है। जितनी अच्छी स्क्रीन होगी, जितनी अच्छी क्लैरिटी होगी, उतना ही आपको टीवी देखने में मजा आएगा। जी। टीवी आप लेते क्यों है, टीवी देखने के लेते हैं। अगर आपको देखने का एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिल रहा है तो ही वो टीवी अच्छा कहलाया जाएगा। अगर आपको देखने का एक्सपीरियंस ही नहीं आ रहा, जितना मर्जी महंगा टीवी ले लीजिए, जहां से मर्जी ले लीजिए, अगर आपको देखने में मजा नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं उस टीवी का, जी, ठीक ठीक है है जी। जी, मेन टीवी होता है देखने के लिए। अब मेरे पास एक ऐसा टीवी भी है जो कस्टमर कहते हैं सर हमारे घर में है छोटा बच्चा और टीवी तोड़ देता है, कुछ मार देता है, खिलौना मार देता है, तो उनसे बचने के लिए मैं एक टीवी बनाया हमने, जिसको हम कहते हैं अनब्रेकेबल टीवी। आप ये लोहे की रॉड भी इस पे ठीक है मार जी। लेंगे तो ये टीवी टूटेगा नहीं, ये इस टीवी की खासियत है। अब ये टीवी आपको दो तरीके से मिल सकता है, एक तो हमारे ब्रांड के अंदर ले सकते हैं, जो कि इनवॉक्स हमारा ब्रांड है, उसके अंदर मिल सकता है, पर वो होगा एंड्रॉयड बेस्ड टीवी। ठीक है और जी, एक आप ले सकते हैं गूगल बेस्ड टीवी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में फर्क बताया था आपको गूगल और एंड्रॉयड में क्या फर्क होता है, तो आपकी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हैं। एंड्रॉयड के अंदर भी अनब्रेकेबल मिल जाएगा आपको और गूगल के अंदर भी अनब्रेकेबल मिल जाएगा आपको, और साइजेस 32, 43 एंड 50, इन तीन साइजेस में आपको अनब्रेकेबल टीवी हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा। 32 के अंदर सिर्फ एंड्रॉयड मिलेगा, 43 के अंदर आपको गूगल और एंड्रॉयड दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे, 50 के अंदर भी गूगल और एंड्रॉयड दोनों के ऑप्शन मिल दोनों जाएंगे, जी, ठीक है जी। अब आपको मैंने सारा डिफरेंस बता दिया। अब सर कस्टमर कहते हैं कि जी 43 का अलग बताओ मेरे को, 32 का अलग बताओ। अब वो चीजें नहीं रह गई, 32 के अंदर भी वही रैम रोम है जो 43 के अंदर है, जो 50 के अंदर है, 32 इसके अंदर भी बहुत बेटर बेटर क्वालिटीज आ गई हैं। जी, इसलिए जो फीचर आपको 32 में मिल रहा है 43 में मिल रहा है, वही 50 में अगेन अबव साइज में सेम फीचर्स मिल रहे हैं, सेम क्वालिटी मिल रही ठीक है। है जी, बस आपको डिसाइड करना है कि आपके पास पांच ऑप्शन है। बेसिक एंड्रॉयड टीवी लेना है आपने, अगर आपका सेट टॉप बॉक्स
सीसीटीवी कैमरा, यूट्यूब वगैरह का यूज है, तो नॉर्मल आप बेसिक। स्मार्ट हाँ टीवी ले सकते हैं। जी आपको गूगल असिस्टेंट चाहिए, ऑटो अपडेट टीवी चाहिए, पर वो रहेगा 4G, तो आप ले सकते हैं सर्टिफाइड एंड्रॉयड। ठीक है जी। गूगल टीवी लेना है आपने, जिसके अंदर 5G कनेक्टिविटी, क्रोम कास्ट इनबिल्ट, डॉल्बी ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है आपको, और HDMI के अंदर ARC और वन टच गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है। ये 5 चीजें फालतू हो जाती हैं, तो आप लेंगे गूगल टीवी। फोर्थ बात करते हैं वेब ओएस की। वेब ओएस के अंदर सबसे अच्छी पिक्चर क्लैरिटी, सबसे अच्छी स्पीड, एप्पल टीवी इनबिल्ट, एयरप्ले इनबिल्ट, HDR, हाई डायनामिक रेंज, HLG, हाइब्रिड लॉक गामा, ये मिल जाता है। पांचवी बात करते हैं टाइजन की। टाइजन देखिए अच्छा है, सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें 1300 चैनल फ्री मिलते हैं कंपनी की तरफ से, जी जी ओके पर बाकी चीजें आपको वेब ओएस के अंदर ज्यादा बेहतर मिल जाती हैं, स्पीड वाइज भी, क्लैरिटी वाइज भी, साउंड वाइज भी। जब नए अपडेट आएंगे उसके तो हम जरूर बताएंगे, पर अभी हमारी जो पर्सनल चॉइस है, या तो अगर आप गूगल टीवी लीजिए, अगर आपने हमेशा हमेशा अपडेट रहना है, अपडेट अगले रहना है। 5 साल तो सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे टीवी चेंज करना है या कोई फायर हाँ स्टिक लगानी है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, गूगल टीवी ले लीजिए। या फिर अगर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज नहीं है और आपको सिनेमा एक्सपीरियंस बेटर लेना है, यानी जी पिक्चर जी क्वालिटी बहुत बेटर लेनी है, तो बिल्कुल आप वेब ओएस टीवी ले सकते हैं। पर वेब ओएस के अंदर भी आपको ऑप्शन है कि आपने ये वाला मॉडल लेना है या ये वाला मॉडल लेना इसमें है, आपको ऑप्शन मिलेंगे। दोनों आपके सामने खुले हुए हैं, आप वीडियो के अंदर ही देख के बता देंगे कि किसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर मिल रही है आपको। ठीक है जी ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस, यानी इसमें आपको 850 nits की ब्राइटनेस मिलती है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 650 nits की ब्राइटनेस मिलती है। ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी, स्मूथनेस, शाइन, बैक लाइट, जो पीछे ट्यूब्स लगती हैं हाँ टीवी हाँ के लिए, वो बैक लाइट भी इसके अंदर ज्यादा लगी हुई है इस टीवी के मुकाबले। तो ठीक है जी ये सारी चीजें आ जाती हैं, मैटर करती हैं हर एक टीवी की कॉस्टिंग के अंदर भी और हर एक टीवी के उसको देखने के अंदर भी। जी जी जब आप ओके जी यूज करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस पता लगेगा कि मैंने ये चीज बेटर ली है कि नहीं ली है। जी अब प्राइसिंग बात करते हैं प्राइजिंग की जी। जी 32 इंच, सॉरी, प्राइजिंग 24 इंच बता दूं जी। 24 इंच का अगर आप नॉन स्मार्ट टीवी हमसे लेते हैं तो प्राइस रहने वाला है सिर्फ 4,250 रुपये। ठीक है 24 इंची स्मार्ट टीवी लेते हैं तो प्राइस रहने वाला है 5,250 रुपये। ठीक अगर है 24 इंची आप हमारे ब्रांड के अंदर लेते हैं एंड्रॉयड टीवी, तो 5,500 रुपये उसका प्राइस रहने वाला है, और नॉन स्मार्ट का रहने वाला है 4,500 रुपये। 4,500 बत्तीस ठीक है इंची जो सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग है, हर घर की रिक्वायरमेंट है, उसका प्राइस बताता हूँ जी, 6,500 रुपये का टीवी मिलेगा आपको। ये वाला बेसिक में बेसिक एंड्रॉयड टीवी जिसमें आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं मिलता है, ब्लूटूथ का नहीं मिलता है, वॉइस असिस्टेंट का नहीं मिलता है, ठीक है जी। 6,500 रुपये में आपको बेसिक एंड्रॉयड टीवी मिल जाता है। सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी जो कि हमारे ब्रांड के अंदर रहने वाला है, 7,500 रुपये उसका प्राइस रहने वाला है। आप लेते हैं गूगल टीवी के अंदर एमोलेड डिस्प्ले लेते हैं तो 8,800 रुपये में आपको गूगल सर्टिफाइड टीवी मिल जाता है, और अगर आप गूगल का क्यू एलईडी टीवी लेते हैं तो 9,500 रुपये का आपको ये मॉडल मिल जाता है, ठीक है ठीक जी। है जी 43 पे आते हैं जी, 43 बेसिक एंड्रॉयड टीवी यहाँ लगा हुआ है, 10,800 रुपये में आपको इतना बड़ा साइज, आईपीएस आईपीएस पैनल पैनल ठीक है जी अनब्रेकेबल नहीं है, मैं लोगों की तरह झूठ नहीं बोलता हूँ, इसको अनब्रेकेबल नहीं बोलूंगा, क्योंकि अनब्रेकेबल टीवी सिर्फ यही है जिसपे आप लोहे की रॉड मार सकते हैं। ठीक है अगर मैं सिर्फ ऐसे कर दूं और बोल दूं अनब्रेकेबल टीवी है, वो झूठ बोलने वाला काम हम नहीं करते जी। ठीक है दस हजार आठ सौ रुपये में मिलेगा आपको 43 बेसिक बेसिक एंड्रॉयड टीवी सर्टिफाइड एंड्रॉयड, अगर आप हमारे ब्रांड के अंदर लेते हैं तो प्राइस रहने वाला है 12,800, और विद गूगल असिस्टेंट लेते हैं तो प्राइस रहने वाला है 13,800 रुपये। ठीक है जी गूगल टीवी क्यू एलईडी अगर आप लेते हैं तो 35,000 की एमआरपी है बॉक्स के ऊपर, हम आपको देंगे सिर्फ 14,800 रुपये में। 1,400 के हाँ अंदर जी। ठीक है जी उसके बाद अगर आप वेब ओएस टीवी लेते हैं, ये वाला मॉडल लेते हैं, तो इसका प्राइस रहने वाला है, इसमें 2K भी आता है सर, ये दोनों 4K लगे हुए हैं, हाँ इसमें 2K भी आएगा। 2K का प्राइस बताता हूँ पहले मैं, 14,500 रुपये में आपको 2K वाला मॉडल मिल जाता है, ठीक है 15,300 रुपये में 4K मिल जाएगा आपको 4K वाला ये वाला मॉडल मिल जाएगा जी। ठीक है जी इसकी बात करते हैं, ये 4K में आएगा 16,800 रुपये का, और अगर 2K लेते हैं तो 15,800 रुपये का ये 2K आएगा, 1,000 रुपये का फर्क है। ठीक इन दोनों की पिक्चर क्वालिटी के अंदर जमीन आसमान से भी ज्यादा फर्क है जी। है जी दोनों टीवी आपके सामने खुले हैं, दोनों पिक्चर सेम चल रही है, आप खुद ही बता देंगे किसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर लग रही है आपको, जी ठीक है जी। आप हमारे शॉप पे जब मर्जी आइए, हम आपको कंपैरिजन जरूर करा के देंगे। 43 के बाद, इन दोनों के बाद एक मॉडल अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल अगर आप हमारे ब्रांड के अंदर लेते हैं सारे फीचर के साथ सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी, उसका प्राइस रहने वाला है 14,800 रुपये। ठीक अगेन है जी गूगल टीवी लेते हैं तो 2,000 रुपये का फर्क है, 16,800 रुपये में आपको अनब्रेकेबल
5G कनेक्टिविटी वाला गूगल ओरिजिनल टीवी मिल जाता है जी। जी, ठीक है ओके जी, 50 इंच भी आते हैं जी, 50 इंच के अंदर स्टार्टिंग 18,500 रुपये ये वाला मॉडल। बेसिक ठीक है जी, सर्टिफाइड एंड्रॉइड हमारा ब्रांड इनवॉक्स आपको मिलेगा 21,800 रुपये में। गूगल टीवी QLED मॉडल 23,800 रुपये में। और वेब ओएस लेते हैं ओरिजिनल वाला यानी ये वाली क्वालिटी वाला, तो प्राइस रहेगा 24,800 रुपये। और ये 2400 वाली क्वालिटी लेते हैं तो प्राइस रहेगा सिर्फ 21,800 रुपये। 2800 मिल जाएगा ये आपको। वाली क्वालिटी 21,800 की है, 24,800 की ये वाली क्वालिटी। क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है, कभी भी कंपेरिजन करा लीजिएगा। 55 इंच की बात करते हैं जी, 55 इंच बेसिक एंड्रॉयड टीवी सिर्फ हाँ 23,500 रुपये। 23,500 मिल जाएगा आपको। 55 इंच की बात कर रहा हूँ सर मैं, मतलब ठीक है जी, 50 के पैसों में 55 इंच स्टार्टिंग 23,500 रुपये बेसिक एंड्रॉयड टीवी। गूगल टीवी लेते हैं तो 25,800 रुपये में आपको गूगल टीवी दे देंगे। ठीक है जी, और QLED में क्या होता है, क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी, बहुत रेशियो बढ़ जाती है, कंट्रास्ट बहुत हाई आता है, डीप बैक्स बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। QLED लेते हैं गूगल टीवी तो 27,800 रुपये। वेब ओएस का ओरिजिनल वाला लेते हैं तो 28,800 रुपये। कॉपी वाला लेते हैं तो सिर्फ 25,000 रुपये। 2500 ठीक है ठीक है जी। जी, 65 इंच की बात करते हैं जी, 33,000 रुपये से स्टार्टिंग है और 40,800 का टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल रहता बीच है में बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप जब भी शॉप पे विजिट करेंगे या फिर नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। सबसे इजी है जी, जोन से साइज का टीवी आपको लेना है नीचे नंबर पे व्हाट्सएप डाल दीजिए कि 32 इंच रिक्वायर्ड, आपको 32 इंच के सारे मॉडल की जाएगी। लिस्ट मिल जाएगी, 43 43 की लिस्ट मिल जाएगी। जोन साइज चाहिए आप सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, लोकेशन आपके पास आ जाएगी। शॉप पे विजिट कीजिए, जरूर कंपैरिजन कीजिए, टीवी एक देखने वाली आइटम है तो देख के लीजिए और सोच समझ के लीजिए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या जरूरत है। जी 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 और अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और सिर्फ क्या करना है आपने, कमेंट बॉक्स बॉक्स में इनवॉक्स इंडिया हमारे ब्रांड का नाम टाइप कर देना है जी इनवॉक्स, जी और इस वीडियो को किसी भी एक अपने दोस्त को शेयर करके आ जाइए। आप हमसे कोई भी टीवी लेंगे आपके लिए एक स्मार्ट वॉच हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री, क्या बात, ठीक है किसी भी जी। मॉडल पे, कोई रोक टोक नहीं कि इस मॉडल पे नहीं है, इस मॉडल पे है, सब मॉडल पे। चाहे आप 24 इंच का टीवी भी लेंगे तो भी स्मार्ट वॉच फ्री दे देंगे आपको, ठीक 32 इंच है का जी, लेंगे तो भी स्मार्ट वॉच फ्री देंगे। सिर्फ आपने दिखाना है कमेंट और इस शेयर वीडियो को शेयर करा हुआ जी जी बस। सर। टाइमिंग वगैरह क्या रहता है आपकी शॉप की? सर 12 से 8 की हमारी टाइमिंग है, हमारी फर्म का नाम है HSC एंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 438 ओल्ड लाजपत राय मार्केट चांदनी चौक, सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको लाल किला मेट्रो हाँ स्टेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे बारे में यूट्यूब खोलिए, HSC एंटरप्राइज टाइप कर दीजिए या फिर इनबॉक्स इंडिया टाइप कर दीजिए, आपको हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।